नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है और नया कार्य प्रधानाध्यापकों शिक्षकों हेतु के प्रेरणा पोर्टल पर जो एसएमसी के सदस्य हैं, उसका अध्यक्ष हो या सचिव या बाकी सदस्य हैं, समस्त का डाटा प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। तो ये कार्य कैसे करना है, यही जानकारी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर prerna.up.in पर लॉगिन कर लीजिए, टीचर लॉगिन। और मैं आपको बता दूं कि मोबाइल पे लॉगिन करने के लिए आपको ये जो है 3 डॉट ऊपर जो दिखाई देते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको ये डेस्कटॉप मोड पे इसे ओपन करना चाहिए। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये डेस्कटॉप मोड पे ओपन होगा, तो पूरा पेज आपके समक्ष खुलकर आएगा। फिर यहाँ पे आपको ये बैंक अपलोड ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टीचर लॉगिन पे क्लिक करके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे टीचर लॉगिन पे तो आपके समक्ष ये खुल के आएगा। और यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन 2022-23 या बैंक अपलोड, दोनों में से कोई से को भी किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे जिस पर क्या आपकी MDM कॉल आती है। मोबाइल नंबर डाल के आप जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको OTP 4 अंकों का प्राप्त हो जाएगा। आप OTP भर के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज आएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, तो आप ओके करेंगे। ये लॉगिन होने के बाद में आपका जो प्रेरणा पोर्टल का डैशबोर्ड है वो आपके समक्ष खुल जाएगा। इसमें लेफ्ट साइड में आपको नीचे सबसे दिखाई देगा स्कूल SMC मेंबर्स एंट्री, इस पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। और आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है SMC का पूरा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अध्यक्ष, अभिभावक, उपाध्यक्ष, अभिभावक, सदस्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नामित, सदस्य ANM, सदस्य लेखपाल, सचिव, शिक्षक और सदस्य अभिभावक, सदस्य अभिभावक, इस तरह से कुल 15 सदस्य इसमें पूर्ण करने हैं, आपको भरने हैं। सभी का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे भर देना है। इसमें कुल 15 सदस्यों के नाम भरे जाने के लिए ब्लैंक प्लेस दिए हैं और उनके मोबाइल नंबर, जिसमें 6 के जो हैं ये स्टार मार्क हैं, तो अर्थात इनका विवरण भरा जाना अनिवार्य है। बाकी आप सदस्य कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए किसी विद्यालय में इतने बच्चे ही नहीं हैं, तो उस विद्यालय की मैनेजमेंट कमेटी में SMC में इतने सदस्य नहीं हो सकते हैं, तो आप कम भर सकते हैं। जितने उपलब्ध हैं, जितने सदस्य हैं उन्हें आप भरेंगे उनका विवरण, लेकिन आपको कम से कम 6 के जो हैं भरना अनिवार्य है, जिसमें अध्यक्ष अभिभावक, उपाध्यक्ष अभिभावक, सदस्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नामित, ANM, लेखपाल, सचिव जो शिक्षक होगा अर्थात प्रधानाध्यापक या इंचार्ज अध्यापक, और ये जो 6 हैं इनको भरना अनिवार्य है। इसके अलावा बाकी जो हैं विवरण आप आवश्यकता अनुसार जितने आपके सदस्य हैं उनका विवरण भर के, और एक बार फिर आप यहाँ से जो ये आपको दिखाई दे रहा है चेक वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको पढ़ लें, इसको चेक करके सुरक्षित करने के बाद डाटा में कोई भी बदलाव संभव नहीं है, तो एक बार इसको ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने पहले सेव कर दिया और उसमें कोई गलती है तो उसे आप कुछ भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो इस सबको भरने के बाद में आप इसको सेव कर दीजिए और आपका डाटा सेव हो जाएगा। तो ये कार्य समस्त विद्यालयों द्वारा किया जाना अनिवार्य है और इसकी डेडलाइन भी
30 दिसंबर रख दी गई है, उससे पहले पहले आपको ये करना है, तो आप इसे जल्दी से जल्दी निपटा लें। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।